दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ईज़ माई डाउट में। और आज हम आपके लिए एक नए वीडियो लाए हैं और जिसका टॉपिक है परीक्षा देने के लिए जब घर से निकलें तो रखें इन बातों का ध्यान। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि परीक्षा के दिन यानी कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होती हैं, यानी कि हमारे मन में होता है तनाव यानी स्ट्रेस, और जो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी उम्मीदें भी होती हैं, तो उस टाइम आपके जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको ये सावधानियाँ ध्यान में रखनी है या कुछ बातें अपने मन में रखनी है जिससे कि उनके बच्चों के मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो जैसे कि आप जानते हैं जो ईयरली पेपर होते हैं यानी साल के जो पेपर होते हैं, ईयरली जो परीक्षा होती है, उसका एक जैसे ही आपको टाइम टेबल मिलता है आपके बच्चे को, तो वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। स्कूल से लौटते ही अपनी सारी परीक्षा को याद करता है, पेपरों की तैयारी करता है बच्चा अच्छे से, और साथ में माँ बाप भी उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ सुझाव देने शुरू कर देते हैं, जैसे नंबर अच्छे लाने हैं, ठीक है, और क्या है, पड़ोसियों के बारे में उनकी कही बातें कि हमें तुम्हारी वजह से किसी से सुननी ना पड़े। तो पड़ोसियों से संबंधित कुछ चीज़ें हमें कही जाती हैं, हमारा मनोबल, फिर बच्चे के रूप में अगर एक बच्चा पेपर देने जा रहा है तो मनोबल यानी कि जो मन की शक्ति है वो टूटने लगती है यानी कम होने लगती है। तो आपको यह याद रखना है कि परीक्षा के समय अपने बच्चों को, उनके उत्साह को कम नहीं करना, उनकी मेहनत जो उन्होंने की है उसके उत्साह को बनाए रखना है। तो यानी कि उत्साह बना रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए दोस्तों, कम नहीं होना चाहिए। तो परीक्षा सब सुनकर आप सब जानते हैं सभी तनाव में आ जाते हैं, यानी एक तनाव या स्ट्रेस आपके मन में आ जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा। तो उसके प्रति क्या कर देते हैं, घर में परीक्षा के बारे में बात चलते ही जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए कुछ चेतावनियां जारी कर देते हैं, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है, और उसी प्रकार कुछ नहीं नसीहत देते हैं या उन्हें समझाया जाता है। तो यानी कि जो वार्निंग है या नसीहत वो आपको बच्चों को लगातार देते हैं। पर क्या होगा जब बच्चा पूरी तैयारी कर चुका है, पेपर का ठीक समय आ चुका है, तो उसके प्रदर्शन पर बुरा असर ना पड़े, तो उसके लिए आप कुछ बातों को अपने मुंह से निकालना है, कुछ को नहीं निकालना है। तो ये जो आपके माउथ से कुछ चीज़ें नहीं निकलनी चाहिए उसके बारे में आप खुलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जाने अनजाने आप चाहते तो बच्चे का हौसला बढ़ाना है बट वो तनाव में बदल जाता है। तो आपको देखनी है कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, तो नो, किन चीज़ों को माँ बाप को नो कहना है बच्चों के लिए। एक तो उनके मन में कोई बुरा भावना आए परीक्षा के दौरान, एक तो उनके मन में डाउट ना पैदा कर दें, जैसे उन्हें बोले अभी तुम्हें तैयारी तो हो गई है ना, ठीक पढ़ा हुआ है ना, तुम्हें याद तो रहेगा, सोने से पहले जो याद किया था भूल तो नहीं गए। तो यानी एक तो डाउट नहीं उनके मन में डालना है, एक भ्रम, जो भ्रम है तो मिलता जुलता डाउट से ही, बट ये क्या होता है कि हमारे विचारों को फैला देता है और एक तरह हम केंद्रित नहीं रहते। जैसे एक झूठी बात आपने कह दी, क्या तुमने चौथा पांचवा या तीसरा चौथा या छठा सातवां चैप्टर अच्छे से तैयार किया है, क्या तुम्हारी अच्छी है तैयारी है अच्छी, तो इस तरह हम उनको एक सेक्शन पर फोकस करने की बात करते हैं जो कि एक झूठी आशंका है, उससे भी बचाना चाहिए। उसके बाद बच्चों को नॉर्मल नहीं दिखाई देने रहने देते हम, उससे भी परहेज करना चाहिए कि तुम दांत क्यों दिखा रहे हो,
ध्यान से पढ़ो, यानी नॉर्मेलिटी, उनकी नॉर्मेलसी ख़त्म कर देते हैं, उनकी जो व्यवहार है वो ख़त्म नहीं करना है दोस्तों, इसको भी अवॉइड करना है। तीन चीज़ें बताई गई है, ऐसे ही डराना, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, ध्यान रखना ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, डराना या फ्रेटेंड, ठीक है, जो कि गलत है, भविष्य में यही मार्क्स तय करेंगे, ऐसा होगा, वो भी गलत है। साथ ही हतोत्साहित करना, यानी उनके जो हौसले उसको पूरी तरह तोड़ देना, यानी हतोत्साहित, तो वो भी अपने बच्चों के जाने अनजाने अगर हम कुछ ऐसा कह देते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है। हम कहते हैं मुझे तो उम्मीद ही नहीं है तुमसे कि शायद तुम पास हो भी नहीं हो, अगर हो भी जाओगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, उतना ही हो जाओ तो ठीक है। फिर हम कई बार तुलना करते हैं बच्चों की आपस में, वो भी गलत है दोस्तों, कि उसके बच्चे ऐसे हैं तो तुम अपने भाई बहनों से अच्छे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार एहसान जताना बच्चे पर भी गलत है, कि तुम पे इतना सारा खर्चा किया जा रहा है और उसके बाद भी तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम महत्व को नहीं समझ रहे, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर भी तुम पर ध्यान दे रहे हैं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो भी काम नहीं करना। उसी प्रकार खुद से दूर करने की धमकी देना, अब ये इस तरह की जैसी धमकी है कि मैं आपको हॉस्टल भेज दूंगा, आपको कोई एकेडमी, आपको आपको इस जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, स्कूल बदल दिया जाएगा, ऐसी धमकियों से भी आपको बच्चे को नहीं डराना है, तो इसे भी आप रहने दें। तो ऐसे ही ये जो बातें हैं, हम चाहते नहीं हैं एक पिता या माता के रूप में, पर जानबूझकर जाने अनजाने तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो करना नहीं चाहते, तो जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं, पर बगैर बुरे इरादे हमसे कुछ शब्द निकल जाते हैं, तो इनका असर, इन सब चीज़ों का असर उल्टा हो जाएगा, और सफलता के बजाय आपके बच्चा जैसा आप चाहते हैं सफल हो जाए ऐसा करने पर, और वो इसका हो जाएगा उल्टा, वो हो जाएगा असफल। तो इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल कांटा मारें, एक बड़े वाला कांटा। अब कौन सी चीज़ें अच्छी करें, यानी टेक करें, आपको क्या कहना है बच्चे से? देखिए इससे बच्चे जवाब तो कुछ नहीं देंगे आपकी बात का, बट उन्हें अच्छा लगेगा। जैसे कि आपसे कहा जाएगा, बच्चे से कहा जाएगा कि आप पेपर में सिर्फ अपने पेपर पर ध्यान देना, एक पॉजिटिव बात उनसे कही जाएगी, और तुम परिणाम की चिंता मत करना, प्रश्न पत्र हल करने पर ध्यान देना। माना कि आपके मन में उसके प्रति चिंता है कि उनका परिणाम कैसा होगा, लेकिन फिर भी आप कहेंगे परिणाम का कोई असर अपने ऊपर मत आने देना, अपना जो भी आपको आता है उसे लिखना, तो ये पॉजिटिव होगा बच्चे के लिए। और खुद पर विश्वास रखो, ऐसा कहा जाए तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, वो रखा जाए और बच्चों को ये सलाह दी जाए तो वो वैसा ही करने की कोशिश करेंगे जो उनके लिए अच्छा साबित होगा। तुमने मेहनत की है, घबराना मत, यानी मेहनत का महत्व बताना है। इससे वो क्या होंगे, मजबूत, और उनका रिजल्ट आएगा अच्छा। उसी प्रकार तुम पर मुझे यकीन है, तो यानी उन पर ट्रस्ट जताना है, यकीन, ट्रस्ट, भरोसा जताना है, ऐसी बात कहनी है कि तुम आगे जो भी करोगे आगे अच्छा ही होगा, अच्छा करोगे। उसी प्रकार जो है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर आपकी सहायता करेगा,
तो यानी कि आपको आशीर्वाद बच्चे के साथ हर हालत में रखना है, और ईश्वर का तो जरूर ही था, आपको उन पर भरोसा जताना और उसे भी विश्वास में रखना है कि ईश्वर आपके साथ है। तो सारी चीज़ों पे ध्यान रखो, अपना बैग चेक करो, बच्चे से ये कहना है, अपने बस्ते को चेक करो, तो उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी और वो अच्छी सकारात्मक चीज़ों पे जाएगा। आराम से जाना, ठीक है, उससे कहना समय पर आ जाना, ठीक है, जाने के बारे में, आने के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देना, जो आपने भी कभी अपने एग्ज़ाम टाइम में की होगी, तो बच्चा उनसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें बन जाएंगी, और फिर आपका और आपके बच्चे का रिश्ता भी अच्छा होगा और विश्वास भी बढ़ेगा और रिजल्ट तो आएगा ही, देर सवेर आप सफल होंगे, तो यानी बच्चा हो जाएगा सफल और विश्वास बढ़ेगा। ये कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है, ये परवरिश की तरफ इशारा करती हैं, और परवरिश आजमाई जाएगी, यानी परीक्षा में, बच्चे की तो परीक्षा है ही है, माँ बाप की भी परीक्षा है, यानी आपका भी एक टेस्ट है, और जिसमें आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए, इसी के अंदर हमें जो बात अगर कहना चाहें, जैसे परीक्षा देने जा रहा है उस समय बच्चा, या परीक्षा के माहौल में कैसा होना चाहिए, घर का माहौल होना चाहिए खुशगवार, अच्छा, आनंदमय, ऐसा लगे कि हम उत्सव की वो कर रहे हैं, को अपना रहे हैं अपने जीवन में। हर सदस्य में आप जानते हैं मतभेद होता है, कुछ चीज़ों पर विचार नहीं मिलते हैं, पर उन्हें मन भेद नहीं बनाना है, तो इससे क्या होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, तो फिर इससे भी तो मदद होगी, बच्चा अपना काम आसानी से कर पाएगा, वो केंद्रित रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बनी रहेगी, केंद्रीकरण होगा, एक जगह पर फोकस कर पाएगा, अपने जो याद करना है उन्हें याद कर पाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा अच्छा। वाद विवाद करें, देखो आप जानते हैं हर घर में खटपट तो होती है, वाद विवाद भी होते हैं, पर इसका असर बच्चे पर ना पड़े, तो यानी आपने परीक्षा से पहले का भी माहौल अच्छा रखना है, इस समय भी घर घर का माहौल अच्छा रखना है, जिससे वो वातावरण आगे जाए और वो सुख में बदल जाए और प्रयास में, और जिनसे कि आपकी परवरिश जो है वो अच्छी कहलाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, ऐसी मोटिवेशनल नॉलेज वीडियो आपके लिए और बहुत सारी हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, और आप जानते हैं आपका प्रिय चैनल ईज माई डाउट आपके लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो आपके उत्साह को, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे लेकर आएगा, तो कृपया करके चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये करते रहें। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन